अस्सलाम नाज़रीन, जफर इकबाल एस्पायरियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ आपके लिए। आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो एक मकान की है और ये गोरी टाउन फेस 7 के अंदर बना हुआ है। और गोरी टाउन जो है ये एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ करके एक सेक्टर बना हुआ है, एक अच्छा सेक्टर है। इस मकान की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो आप मेरी जो वीडियो आपके साथ जब मैं शेयर कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो प्लीज़ इसको पूरा देखा करें ताकि जब आप कॉन्टेक्ट करें तो आपको उसके बारे में काफ़ी सारी मालूम मिल चुकी हों। और दूसरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको अपनी LCD स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। यहां पे मैं आपको इसकी जो मैंने वहां फिजिकली जाके बनाई थी वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको देखिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये इसका डाइनिंग है, इसको देख सकते लाउंज भी है, साथ ही एंड पार्क डिजाइन ऑफ द टेक्नोलॉजी डाइनिंग है, ऐसे ही लाउंज बना हुआ है। ये सामने ओपन किचन है, और ये एक इसका रूम जो है सीलिंग वगैरह का काम आप देख सकते हैं। ये अटैच बात है, ये नीचे जो ओपन स्काई और बैक पे गैलरी छोटी सी, बैक साइड की गैलरी के ऊपर स्क्रीन डोर बना हुआ है। ये इसका दूसरा रूम जो है इसका भी आप देख सकते हैं सीलिंग का काम। अच्छा खूबसूरत बना हुआ है ये, अटैच बात है इसके साथ भी। तो नाज़रीन, अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर ये जो मकान बना हुआ है 5 मरले के बना हुआ, बड़ा अच्छा खूबसूरत मकान बना हुआ है। अंदर जो इसका सीलिंग का काम, आपका फर्शों का काम जो है, बाकी आप सारी चीजें हमने देखी, बड़ी अच्छी खूबसूरत बनी है। और ये सिंगल स्टोरी है और इसके ऊपर मुमटी है, मुमटी के साथ भी एक बाथ बना हुआ है, एक छोटा सा कमरा है, तो आप कह सकते हैं कि ये 1.5 स्टोरी बना हुआ मकान है। और इसकी डिमांड 90 लाख रुपीज का रहे हैं ये लोग। आप अगर इसका साइट विजिट करना चाहें आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस मकान के वाले से एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी थी कि यहाँ पे आपको बिजली की फैसिलिटी तो मिलेगी, लेकिन अभी पानी का इंतजाम नहीं है, आपको बोर वगैरह का करवाना पड़ेगा, और गैस इस एरिया के अंदर अभी नहीं है। इस मकान के वाले से आप और कुछ भी जानना चाहें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ अपने अहबाब के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मकान ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा होता, तो ये मकान हो सकता है उनकी जरूरत पूरी कर सके। आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।